साढ़े बिच संत समाज भी आ रहे उनके आदेश के मुताबिक अज जी है अस कठुआ बंद का आह्वान किया तो हूँ अं सारे चक्कर लाईता है तो चक्कर लाने बाद लोगों का सानू सहयोग मिला दा ट्रांसपोर्ट का भी सानू सहयोग मिले दा डिपार्टमेंट का भी सानू सहयोग मिला दा तो साढ़ा इयो मकसद है इको ही कि जोड़े भी साढ़े साथी जोड़े जेल च इसलिए उन्हें रिहा किया जाए जल्दी कोला जल्दी उन्हें कोई गुनाह नहीं कीता है। मैं बार बार मीडिया के माध्यम कन्नै गवर्नर साहब की इयो रिक्वेस्ट करगा कि सर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए पूरी जनता आवाम की लड़ाई के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और युवा रायपुर सभा जो है एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है, उस संगठन का एक ही मकसद है कि सामाजिक कार्य करना, लोगों के हित के कार्य करना, जो लोगों में जो समाज में त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को पूरा करना। आज जो युवा रायपुर सभा के बैनर तले जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर रियासी पांच डिस्ट्रिक्ट जो है आज बंद किया है, उस बंद के ऐलान में आज हमने अभी यहाँ पे एक बाइक रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया कि आप लोग सभी हमारा साथ दो। और आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है जो बंद है कठुआ, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक है, हमारी तरफ से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई हमारे में हुलड़बाजी होगी ना कोई हमें कुछ होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से बंद की कॉल थी। कठुआ के लोगों का बड़ा शुक्रिया करता हूँ, बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ सभी दुकानदार भाइयों का, जिन तक ये मैसेज नहीं पहुँचा था उनकी दुकानें खुली थी, लेकिन जब हमने उनको जाके ये सारी बातें बताई उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद रखी। आज एडमिनिस्ट्रेशन के कॉपरेशन के साथ हम भी उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं और वो हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं। सीधी बात है, हम किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ कोई ऐसी धक्कामुक्की नहीं करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अश्योर करना चाहिए कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे भाइयों को किसी को तंग ना किया जाए, ये सीधी बात है। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहिए जल्द से जल्द हमारे भाइयों को रिहा करना करें, और जो भी उन पर केस डाले गए हों अगर उनको रिहा करने के बाद उन पर अगर कोई केस बनते हैं वो भी वापस लिए जाएँ, टोल प्लाजा बंद किए जाएँ, अदरवाइज ये हड़ताल और ये प्रदर्शन जारी रहे। डुगर देश की जे आवाज़ चुका रहे हैं, सारे ताई जे लड़ा रहे हैं, उन्हें हद ठोकी देता तुम्हें साढ़े भ्रा चार दिन के इतने अंचन पर बैठे रहना, कोई ने नहीं पूछा नहीं कि तुम पानी पीना है, वो मरी गए बेचारे है, कोई कठुए का बंदा नहीं जागया है, कोई मेडिकल हेल्थ नहीं हुई उनके ताई। अही चाहते हैं कि साढ़े भ्रा जे अंदर ठोके ने जल्दों जल्द रिहा किए जाने, कने दूआ नंबर जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा की तुरंत बंद किया जाए, ये बीजेपी के नेता सही रहे हैं, इन्हें ठोलो, ये सिर्फ अपन सत्त जी बैठे रहे मजे कि एसी से दिखा रहे कि करा रहे के ना मुड़े, अभी कोई पागल थोड़ी है।